चैप्टर नंबर 13 यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 13 यूजफुल फ्री सॉफ्टवेयर एंड टूल्स। ओके, अभी जो मैंने आपको मेन लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन करवा लिया है, यू नो वेरी वेल व्हाट इज एचटीएमएल। यू नो वेरी वेल व्हाट इज सीएसएस। You know very well what is a JS, JavaScript. You know very well what is a Java. जो रिमेनिंग में आपको बोल रहा था वो सब यहाँ पे है। मेजोरिटी जो हेडेक वाला पोर्शन था मोस्टली हम कंप्लीट करेंगे आज। कंप्लीट करने का मीन्स ये ओनली फॉर इंट्रोडक्शन है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में भी ये चैप्टर नंबर 13 कंटिन्यू चलेगा। तो ये सॉफ्टवेयर के अंदर यूज फॉर फ्री टूल्स, टूल्स का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज टूल्स। जितने भी लोगो है, जितने भी सॉफ्टवेयर है जो फ्री में अवेलेबल है, इसका कोई चार्ज पे नहीं करना है, उसके लिए कोई पेमेंट नहीं करना हो, उसकी कोई लाइसेंस की नहीं है, ओके, इसको बोला जाता है यूजफुल फ्री टूल्स। सर्विसेस मीन्स व्हाट, कई ऐसे सर्विस है जो सॉफ्टवेयर है उसको डाउनलोड नहीं करना है, ऑनलाइन ही आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। एग्जांपल दूं, देखो सॉफ्टवेयर के बारे में, जैसे मैं गूगल वेबसाइट यूज करता हूं या गूगल मैप का यूज करता हूं, अदरवाइज मैं गूगल ड्राइव के थ्रू ऑनलाइन मेरा बैकअप गूगल ड्राइव में रखता हूं, तो ये गूगल की एक्स्ट्रा सर्विस है। अब ये बोलोगे सर उसमें टूल्स कौन से हैं, मैं गूगल का यूज करके ओके अभी मीट यूज करता हूं। एक्चुअली गूगल मीट गूगल का ही एक पार्ट है, एक एक्स्ट्रा टूल्स है जिसे वो एक्स्ट्रा फीचर्स देते हैं। तो मीट भी फ्री हो ना, वो पहले एक्चुअली पेड था। मैं 2 साल पहले जब यूज करता था तो पेड था, पर पेड के अंदर क्या था, जो न्यू यूजर है जिसका ईमेल आईडी 5 या 6 ईयर्स से पुराना हो तो उसके अंदर वो अलाउड है। देखो एक नया फीचर्स की इसके अंदर है, अभी गूगल मीट के अंदर आज ही नया अपडेट आया, ये व्हाइट बोर्ड एक्चुअली जाम बोर्ड है, ओके, जाम बोर्ड का ही फीचर्स है। तो ये नए नए टूल्स हैं, आपको मालूम है जाम बोर्ड के अंदर भी इतना यूज होते हैं, ओके, आपको यहाँ पे सबको अपना अपना अपडेट भी मिल जाता है। अभी जैसे यहाँ पे व्हाइट जाम बोर्ड स्टार्ट होगा, जो पहले अलग था, अभी मीट के साथ क्या हुआ, ज्वाइंट हुआ, दिख रहा है आपको लिंक। अभी देखो ये पीपीटी की तरह यहाँ पे जो भी मुझको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना हो रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये सब टूल्स है, यहाँ पर भी जो भी मैं लिखना चाहता हूँ ओके लिखना चाह ओके जैसे चैप्टर नंबर 13 लिखूंगा, ये इरेजर है, ये सब टूल्स है, ये एरो की है, जो भी एरो के थ्रू मुझको रिप्रेजेंट करना है वो, ओके, पेज के रिगार्डिंग कुछ भी इंफॉर्मेशन, स्टिकी नोट लगाना हो, पिक्चर्स को ऐड करना हो उसके अंदर, पिक्चर्स को ऐड करना हो, तो ये मीट के अंदर अवेलेबल है। मैं बुक या कोई फाइल पीडीएफ भी यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ, लाइक हम यहाँ पे ड्राइव में से एक इमेजेस ले लें, जैसे ये चैप्टर नंबर 3 का एक इमेजेस अपलोड करके देख लेते हैं, ये लिंक के थ्रू आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा सब, ओके, इमेजेस मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, उसके अंदर मैं जो लिखना चाहता हूँ लिख सकता हूँ, मैं समझाना चाहता हूँ समझा सकता हूँ, ओके, इसके बाद कुछ भी डायग्राम आपको यहाँ पे इरेजर के साथ साथ जो भी यूज करना है, ओके, सर्कल ड्रॉ करना हो या ऐसा आप ड्रॉ कर सकते हो, नोट डाउन करना हो पर्टिकुलर टॉपिक, तो मैं यहाँ पे टॉपिक भी लिख सकता हूँ, और एक लेजर लाइट जैसा है, मैं लिखूंगा ना तब तक वो रहेगा, बाद में ऑटोमेटिक इरेज हो जाते, देखो ऐसा दिख रहा है आपको। तो ये सब टूल्स हैं, उसको बोला जाता है एक्चुअली जाम बोर्ड था, पर अभी ये फ्री में मिलता है, ओके, और पूरा क्लियर करना तो क्लियर कर सकता हूँ। अभी मैं इसको जाम बोर्ड के अंदर ओपन करूंगा तो यहाँ पर भी ये फीचर्स अवेलेबल, मीन्स ये मीट के अंदर ही ये ऑप्शंस अवेलेबल। मैं इसको शेयर भी करना चाहता हूँ, मैक्सिमम 10 पीपल को मैं ये शेयर कर सकता हूँ, तो
ये सब ऑप्शंस भी अवेलेबल है यहाँ पे, तो इसको बोला जाता है टूल्स। ये देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे मैसेज भी आ गया। इसको मैं व्हाइट बोर्ड को क्लिक करके कहीं भी भेजना चाहता हूँ, तो ये मेरी जो पीपीटी है वो पीपीटी को मैं इजीली रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो ये सब टूल्स के बारे में हमने क्लैरिफाई किया। अभी यहाँ पे हम चेक करते हैं, यहाँ पे जितना भी देखो ये इरेजर ये सब कुछ टूल्स यूज कर रहा हूँ, तो ये सब फ्री में मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे एक्स्ट्रा टूल्स भी है। अब सर एक्स्ट्रा टूल्स मीन्स व्हाट? अभी इसके अंदर क्या कौन सा टूल्स है ऑलरेडी आपने यूज किया है और उसके बारे में मालूम भी नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास टूल्स है कंप्रेस का टेक्निक, डेटा को कंप्रेस करना। ओके, पहले वो मुझको वर्ड समझो, व्हाट इज अ कंप्रेस? एनी ब्रदर, डेटा कंप्रेस का मीनिंग क्या होता है? स्टूडेंट अभी थोड़ा इंटरेक्शन करना पड़ेगा, बोले व्हाट इज अ डेटा कंप्रेस? डेटा कंप्रेस का मीनिंग क्या होता है? डिक्रीज द साइज, वेरी गुड ट्रिक। और शॉर्ट साइज करना, इसके जैसे ही हुआ, पर एक याद रखना है यहाँ पे, डेटा की साइज साइज जब हम शॉर्ट करने की ट्राई करें, साइज लेस करने की ट्राई करें, इसमें इम्पोर्टेंट क्या था? ओके, डेटा की साइज कम करने के टाइम आपका डेटा लॉस नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट। तो इसके अंदर तो ऐसी तो क्या प्रोसेस होती है तो साइज कम हो जाती है, और उसके अंदर पीछे क्या अल्गोरिदम था, ये टेक्निक से क्या हमको बेनिफिट हुआ? आप लोग सर रिड्यूस द अमाउंट एंड मेमोरी एंड डिस्क मेमोरी, वो सब यहाँ पे यूज होता है। तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। तो रिड्यूस द अमाउंट ऑफ द मेमोरी एंड डिस्क साइज, ये आप लोग सर इससे क्या बेनिफिट मिलेगा आपको? मेरे मोबाइल के अंदर लिमिटेड मेमोरी साइज होता है, जैसे एग्जाम्पल 120 GB है, तो ये लिमिटेड साइज है। ओके, ऑनलाइन है तो 15 GB है, इंटरनेट की साइज कितनी? 50। डेटा कंप्रेस करने से क्या होगा, वही डेटा जैसे 1 GB का डेटा, ओके, हो सकता है 100 MB के अंदर खत्म हो जाए, तो आपका 200 MB तो बचेगा ना, तो ये सब वहां पे आपको यूज करना है। तो ये सब इसके लिए यहाँ पे बेनिफिशियल। ओके, तो एक सबसे टेक्निक है लर्निंग, इसके लिए सॉफ्टवेयर आर्चीव मैनेजर। कौन सा टूल है? आर्चीव मैनेजर, तो ये आपको यूज करना है। समझ में आ रहा है आपको? ये आर्चीव मैनेजर के अंदर भी एक मिनट, ओके चलिए। तो आर्चीव मैनेजर का मेन यूज है। अभी इसके अंदर तो ऐसी तो क्या डायरेक्टरी होगी, तो इसके अंदर क्या ऐसा टूल्स होगा जैसे टेक्निक टू फाइल एंड डायरेक्टरी। तो यू नो वेरी वेल डायरेक्टरी का मीनिंग क्या होता है यहाँ हमारे यहाँ पे? डायरेक्टरी मीन्स व्हाट? व्हाट इज मीनिंग ऑफ द डायरेक्टरी? फोल्डर। हम फाइल को भी कंप्रेस कर सकते हैं एज वेल एज डायरेक्टरी को भी, पूरे फोल्डर को यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमको लर्न करना है VLC, एक ऐसा मल्टीमीडिया का टूल है, उसको बोला जाता है वर्सेटाइल मल्टीमीडिया टूल्स। ओके, हम वन बाय वन स्टडी की भी करेंगे, इसका यूज भी करेंगे। हम VLC के बारे में लर्न करने वाले हैं, डेटा आर्चीव मैनेजर का यूज करने वाले हैं, गूगल मैप। अभी गूगल मैप तो ऑलरेडी आपने यूज कर ही चुके हैं, तो गूगल मैप के बारे में भी थोड़ा स्टडी करना है। जो ऑनलाइन सर्विस है, ऑनलाइन के बिना ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट देखिए, कैरेक्टर मैप। कैरेक्टर मैप है ना, वो यहाँ पे है। जैसे आई डोंट नो गुजराती लैंग्वेज, वो कैसे टाइप किया जाता है, कैसे यूज करता है, तो सेम यहाँ पे कैरेक्टर मैप का भी उसके जैसे ही काम है, बट उसके अंदर
गुजराती ऑल इंडिया में 22 ऑफिशियल लैंग्वेज जितने भी है ना वो इसके अंदर अवेलेबल है। आपको ओनली फॉर करना क्या है इसके अंदर, वो सिंबल के ऊपर क्लिक करना है और टाइपिंग होता रहेगा। उसको हम क्या बोला जाता है, कैरेक्टर मैप। इसके अंदर रेडीमेड सिंबल और कैरेक्टर होता ही है। एक नया सॉफ्टवेयर है वो आर सॉफ्टवेयर है। अभी मैंने आपको बोला था ना रिमेनिंग जो है नया सॉफ्टवेयर के बारे में लर्न करना है, आर सॉफ्टवेयर। ये पूरी एक लैंग्वेज है ओके। उसके बाद यहाँ पे हमको ये लर्न करना है आर सॉफ्टवेयर के बाद रिलेशनल प्लान। और है स्काइपी। तो कितने सॉफ्टवेयर के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन लेनी है, जैसे मैंने आपको बोला था ये हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर अराउंड 10 समथिंग डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर है और साथ में नए नए टूल्स भी अवेलेबल है। तो कौन से हो गए, सबसे फर्स्ट कौन सा है बोलो, कौन सा है बोले, आर्चिव मैनेजर। मैनेजर दूसरा कौन सा है, वीएलसी। थर्ड वन गूगल मैप, फोर्थ, कैरेक्टर मैप, फिफ्थ आर एनवायरनमेंट, सिक्स रैशनल प्लान, सेवन स्काइप। सेवन स्कैप ओके। तो यहाँ पे ये सब के टूल्स के बारे में हमको लिटिल बिट इंफॉर्मेशन लेनी है एग्जाम के लिए। अंदर ये चैप्टर का इम्पोर्टेंट है 6 मार्क्स का थियरी है, बट इसमें मैक्सिमम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना तो एक आर सॉफ्टवेयर है और रिलेशनल प्लान। रेशनल प्लान भी बोला जाता है पर कई वन सपोर्ट में उसको रिलेशनल प्लान बोला जाता है। रेशनल प्लान बोलो या रिलेशनल प्लान बोलो ओके। तो ये 6 लैंग्वेज हमको नए सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन करना है। ये हमारा 7, ये हमारा 8, 9 और 10। और भी एक पेंडिंग में कौन सा है याद है, लेटेक्स चैप्टर नंबर 12 लेटेक्स। तो इसके बारे में इसके लिए लास्ट मूवमेंट पे सेमेस्टर वन के अंदर चैप्टर नंबर 13 इसमें इन्वॉल्व किया है और हमने एडवांस में चैप्टर नंबर 7 चला दिया है। जैसे आपकी एग्जाम खत्म होगी आफ्टर दिवाली, मिस दिवाली के नजदीक में नवरात्रि से पहले आपकी एग्जाम खत्म होने के बाद ऑन द स्पॉट हमारा सिलेबस में कंटिन्यू कर दूंगा ओके। तो आपको ये सब कुछ क्लियर होना चाहिए, टेक्स्ट बुक के एक एक वर्ड एक एक मीनिंग, भाई चैप्टर 13 में से एमसीक्यू है कि चैप्टर 7 में ओके। अभी हम यहाँ पे यूज करते हैं, कितने सॉफ्टवेयर है, ये सब फ्री में सॉफ्टवेयर मिलते हैं और ये सब कुछ हुबंटू के सॉफ्टवेयर है। 11 की 12 की जितने भी बुक के अंदर सॉफ्टवेयर के बारे में समझाया गया है सब उबंटू के अंदर इंस्टॉल किया जाता है। हाँ बट मैंने आपको इन्फॉर्म भी किया था उबंटू के सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट में सपोर्ट करते हैं पर माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर उबंटू में सपोर्ट नहीं करते हैं, ये एक क्लियर करना। तो आई होप सो आपको थोड़ा से कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं और जो मैं समझाना चाहता हूँ वो आपको समझ में आ चुका है। क्लियर हो रहा है सब कुछ, ये सब बाउंस होते जा रहे हैं। तो इतने सॉफ्टवेयर के बारे में हमको डेथ में लर्न करना है, वन बाय वन पॉइंट यूज करना है और जिसमें मुझको लगेगा तो वो पॉइंट आपके पास रीड भी करवाऊंगा। डेटा कंप्रेस के बारे में हम बात करें और इसका प्रैक्टिकल के करके भी देखेंगे तो आपको एटलीस्ट समझ में आएगा और रट्टा कम लगाना पड़ेगा। डेटा कंप्रेस अभी जितनी भी वेबसाइट है या इंटरनेट में जहाँ कंसेप्ट है उसमें मैक्सिमम डेटा कंप्रेस का यूज करते हैं। आप लोग सर इसका यूज क्यों करते हैं, तो इंटरनेट पे आप देखिए हम व्हाट्सएप के अंदर या यूट्यूब के अंदर पूरा वर्ल्ड अनलिमिटेड वीडियो अपलोड करता है, वो डेटा जाता कहाँ है। इसके लिए देखो यूट्यूब में आपको 3 टाइप की कैटेगरी में वीडियो मिलता है, नॉर्मल, इसके बाद HD और बाय डिफॉल्ट जो होता है वो SD टाइप, SD बोलते हैं सिंपल, HD हाई डेफिनेशन वाला और जो नॉर्मल होता है नॉर्मल। आपको वीडियो कौन से फॉर्मेट में देखना है, कौन सी कैटेगरी में देखना है, चॉइस आपको करना है। तो
इससे क्या बेनिफिट है, जो वीडियो देखने वाला पर्सन है उसको उसका डेटा कम यूज होगा, सामने वाला पर्सन जो देख रहा है उसको तो बेनिफिट है ही। हाँ, थोड़ा आइस का प्रॉब्लम होता है, उसका ब्लर होता है, और उसका डेटा उसके लिए इम्पोर्टेंट है, और वीडियो देखना भी इम्पोर्टेंट है। हमारे कई बच्चे करते हैं ना, अभी देखो 11 12 वाले को, और आपको ऊपर भी, हम नेक्स्ट टाइम से रिवीजन के अंदर एक एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन और उसके एमसीक्यू लिख के पेपर लेना मैं स्टार्ट करूंगा। तो एनी हाउ एटलीस्ट आप सबको तो रीडिंग करना ही है, उससे बच्चे रीड करें या ना देखें, वीडियो का रिवीजन करें या ना करें, पर एटलीस्ट आपके ऊपर तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। देखिए, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, ये एक बड़ी सी सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, ये एक अल्गोरिथम है। उसके अंदर क्या है, एक अल्गोरिथम है। आप बोलोगे सर इससे क्या होगा। जब क्लोन करते हैं, क्लोन इन द इंटरनेट, जैसे आप बैकअप लेते हो, व्हाट्सएप का कभी बैकअप लिया आपने, व्हाट्सएप का कभी बैकअप लिया आपने, तो आपको मालूम है आपका डेटा जब जीमेल ड्राइव में जाता है तो जीप फोल्डर में मिलता है। और इसके अंदर जिसे आपको ब्लास्ट जीप फोल्डर के अंदर बेनिफिट क्या मिलता है, अभी देखो मैं आपको एक फोल्डर बना के दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। इसके अंदर कभी वायरस नहीं आते हैं, साइज लेस हो जाती है। तो ये सब उसके बेनिफिट है। उसके अंदर आपको मेन पॉइंट ये क्लैरिफाई करवाता हूँ, जिसे नेटवर्क के अंदर ट्रैफिक लेस जाम होती है। सबसे ज्यादा डेटा कंप्रेस किस पे होता है मालूम है, व्हाट्सएप के अंदर। मैं आप व्हाट्सएप में कोई इमेजेस मुझको सेंड करोगे, ऑटोमेटिकली उसकी साइज क्या हो जाती है, लेस हो जाती है। जब वो वीडियो में आपको, जैसे कोई व्हाट्सएप के अंदर एक इमेजेस सेंड करता हूँ, आप उसको जूम करोगे ना तो आपके मोबाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो 3 MB का फोटो हो सकता है 1 MB के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो वो 2 MB गया का, फोटो तो एज यूजुअल है। उसने क्या किया, जो HD लेवल का फोटो था, हाई डेफिनेशन वाला फोटो था, ऑटोमेटिकली उसने कंप्रेस किया। जब फोटो अपलोड होता है तो एक से तीन प्रोसेस होता है व्हाट्सएप के अंदर, जिसे ऐसे घूमता है ना राउंड सर्कल, तो एक से थ्री प्रोसेस होती है। कौन सी होता है, फोटो इंटरनेट पे अपलोड भी हो रहा है, डेटा वो इमेजेस से वो कंप्रेस भी हो रहा है, और प्लस वो डेटा यूज होता है। जैसे मैं आपको ग्रुप में सबको लिंक भेज रहा हूँ, तो आपको क्या लगता है व्हाट्सएप के अंदर ये लिंक है सबको मिलती है, नहीं ये कॉपी है। बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, मार्क जुगलबर्ग ने 1000 फेसबुक बनाए थे, नो। तो आप सबको ये दिखाई देता है कैसे, सब अपने अपने अकाउंट के अंदर लॉट्स ऑफ इमेजेस वीडियो अपलोड करते ही जा रहे हैं। एक्चुअली जो भी पर्सन है फर्स्ट टाइम वहां पे अपलोड किया है ना, फर्स्ट टाइम, तो उसको सेकंड टाइम वो अपलोड करोगे तो ओनली फॉर आप शेयर ही करते हो, उसकी लिंक ही जनरेट करते हो। तो आपको लगता है कि मैंने ये वीडियो मैं किसी को फॉरवर्ड कर रहा हूँ तो ये बेनिफिट है, एक्चुअली वो बेनिफिट नहीं है। इंटरनेट पे एक बार वो वीडियो की जब फर्स्ट टाइम अपलोड हो चुका है, इसके बाद वो पूरे वर्ल्ड से कहीं से भी आ सकता है। कभी किसी ने यूटोरेंट देखा है, यूटोरेंट की वेबसाइट ओपन की है, इसमें से किसी ने यूज किया हो यूटोरेंट, ये मोस्टली हैकर और या फ्री में मूवी डाउनलोड, मूवी डाउनलोड वो सब के लिए यूज किया करते हैं। ये यूटोरेंट के अंदर पायरेटेड सॉफ्टवेयर भी मिलते हैं। आप जब जब डाउनलोड करते हो ना तो इसके अंदर देखो कंटिन्यू डाउनलोड नहीं होता, बीच बीच में लाइन आती है। ऑब्जर्व किया होगा तो आपको ये समझ में आएगा, लाइन आती है बीच में जब डाउनलोड होता है ना सॉफ्टवेयर के अंदर बॉक्स के अंदर, तो वो क्या इंडिकेट करता है लाइन, उसको साइड पे वर्ड लिखा होगा सीड, और सीड करके ऐसे वर्ड होता है टेक्निकल सीडिंग, ऐसे समझाऊंगा इसके अंदर मे भी आपको समझ में आ जाए। तो ये सब आपको मैं वर्ड समझाने का मेन पर्पस यही है, जिसे आपको फटाफट माइंड में सेट हो जाए। देखिए हमारे यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होता है, हम पहले फोल्डर बनाते हैं, फोल्डर के अंदर फाइल बनाते हैं। फाइल की कितनी कितनी कैटेगरी हो सकता है, आपकी फाइल हो वो टेक्स्ट में हो सकता है आपकी फाइल है वो इमेज फॉर्मेट में हो सकता है आपकी फाइल है वो ऑडियो फॉर्मेट में हो सकता है वो फाइल है वीडियो फॉर्मेट में।
फिर भी सब जगह पे एक ही जगह पे स्टोर होता है, और वो सबको हम फाइल ही बोलते हैं। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, ट्राई करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। इससे क्या होना चाहिए, जैसे पूरी डायरेक्टरी है उसको हम एक सिंगल यूनिट के अंदर, सिंगल फाइल के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, जो पूरे लार्ज बंच था उसको एक सिंपल यूज कर लेते हैं। एग्जाम्पल दू, व्हाट्सएप पे आप कितनी फाइल मुझको अपलोड कर सकते हो? 30 कर सकते हो, बट मेरी विश है 30 इमेजेस एक साथ नहीं आना चाहिए, एक फोल्डर के अंदर मुझको भेजना है, तो पॉसिबल है? पीडीएफ बना के। वो पीडीएफ है, राइट है। पीडीएफ में देखना कंप्रेस साइज होता है, और इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट क्या, आपका सीक्वेंस भी ऊपर नीचे नहीं हो जाएगा, अप डाउन नहीं होगा। इसके लिए आपको एग्जाम के अंदर, अभी जो मैं आपको डेवलपिंग दे रहा हूँ ना, आपके जो S1 के एग्जाम आ रहे हैं कॉम्पिटेटिव के अंदर, ये सिस्टम आई थिंक अभी क्लास टीचर ने कल परसों मैंने ट्रेनिंग दिया था, तो उसके हिसाब से आपके पास पीडीएफ कलेक्ट कर रहे हैं। पीडीएफ से दो तीन है, आपका सीक्वेंस भी अनचेंज नहीं होगा और उसकी साइज लेस भी हो जाएगा, और जो वर्ड की क्लैरिटी है वो भी बेटर होगा। और थर्ड इम्पोर्टेंट, एक बार पीडीएफ में कन्वर्ट होने के बाद उसमें से डेटा लॉस होने की पॉसिबिलिटी लेस है। देखते हैं, उसके लिए आपको कंप्यूटर साइंटिस्ट ने एक डेवलपमेंट टेक्निक किया है। क्या टेक्निक किया, सिंगल फाइल के अंदर कन्वर्ट कर दो, और उसको बोलते हैं आर्चीव। क्या बोला जाता है टेक्निक को, आर्चीव। उससे क्या बेनिफिट है, नंबर ऑफ द टेक्निक है इसे, इसका मेन पर्पज क्या है, रिड्यूसिंग द स्टोरेज रिक्वायरमेंट ऑफ द कंप्यूटर फाइल और डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। और ये टेक्निक को क्या बोला जाता है, डेटा कंप्रेसिंग। ओके एरिन, एरिन एरिन अवेलेबल है? एरिन ये पैराग्राफ मैंने जो क्लिक किया ना, रीड कर लेना। ओके अनिकेत, आप अनिकेत का वॉइस नहीं आएगा। ओके ये सा, आप ये 4 लाइन रीड करो ना अच्छी तरह। कंप्यूटर साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड टेक्निक्स टू प्लेस अ होल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इनटू अ सिंगल फाइल फॉर कन्वीनियंस। सच अ फाइल इज कॉल्ड एन आर्चीव। दे हैव आल्सो डेवलप्ड अ नंबर ऑफ टेक्निक्स आर रिड्यूसिंग द स्टोरेज requirement of computer files and directory structures. These techniques are called data compression. Okay. यहाँ पे आप अच्छी तरह समझो, यहाँ पे दो डेफिनेशन दिए, कुछ कुछ डेफिनेशन दिए आपको, आर्चीव का मीनिंग समझाया, दूसरा क्या समझाया यहाँ पे, डेटा कंप्रेस का डेफिनेशन समझाया। तो ये डेफिनेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ओके नेक्स्ट देखते हैं। अभी देखिए यहाँ पे यही पॉइंट क्लैरिफाई करें तो कंप्रेस के अंदर क्या ऐसा होता है, जिसे हम डेटा कंप्रेस होता है, उसके अंदर रिपीटेशन जो डेटा है, जो कंटिन्यूस रिपीट होता है, उसको हम वापस एक सिंगल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे। मैंने कैसे कन्वर्जेशन करते हैं रिपीट डेटा को, अभी लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। तो एक अच्छा से छोटे बच्चों का रैम से उसको हम कंप्रेस करते हैं, उसके पीछे टेक्निक क्या है। बट यहाँ पे अभी याद रखने वाला एक सबसे बड़ा एग्जांपल है, यहाँ पे देखो एक एक रैम से, अमन सी आपको याद है ना ये रैम्स के बारे में? यस सर। ओके चले, तो कहने का मेन पर्पस है, यहाँ पे देखो तो ये एमन सी पोयम का एक पैराग्राफ रीड कर रही है, अच्छी तरह ऑब्जर्व करना, फटाफट एमन सी रीड कर लो तो आपको तो मालूम होना चाहिए। यस सर। वन लिटिल, टू लिटिल, थ्री लिटिल इंडियन, फोर लिटिल, फाइव लिटिल, सिक्स लिटिल इंडियन, सेवन लिटिल, एट लिटिल, नाइन लिटिल इंडियन, टेन लिटिल इंडियन बॉय। ओके
तो यहाँ पे अपने ये पैराग्राफ लिया ऐसे सेम सेकंड पैराग्राफ है, बट इसके अंदर कॉमन वर्ड कौन सा है अभी ये मुझको आप इन्फॉर्म करो, ये थोड़ी एक्सरसाइज करना है। यस ओनली फॉर लिटल ही है, तो ये 1 2 3 ये सब कॉमन है, ये सब कॉमन है। ओके तो कंप्यूटर क्या करता है जब कंप्रेस करता है ना, तो एक वर्ड है इतनी बार यहाँ पे आया उसका लिटल का कोड क्या दे दिया 1। इतना समझ में आया आपको? ओके अभी मैं जो समझाना चाहता हूं यहां पे क्या किया उसने 1 का कोड दे दिया 0। ओके 2 का तो ऑलरेडी उसने लीटर दे दिया, 2 का दे दिया 2, 3 का दे दिया 3। ये टेक्निक है, ये साइंस के जो साइंटिस्ट होते हैं ना ये एल्गोरिदम जो इंडियन है वो 4 टाइम आया, देखो 1 2 3 एंड 4 अभी बॉटम साइड भी है बट ये सबको नंबर क्या दे दिया 4। 5 जो नंबर था उसको दे दिया 5 6। ओके ऐसे उसने सब ने नंबरिंग कर दिया और ये नंबरिंग के साथ अभी ये वर्ड यूज करेगा और नेक्स्ट जो पैराग्राफ है ना वो पूरा पैराग्राफ इससे बनेगा। 5 का मीनिंग क्या हुआ तो यहाँ पे लिखा होता है 5 मीन्स व्हाट 4। देखो ये जो पूरा पैराग्राफ है ना ये वो यहाँ पे ये आ गया, 2 का मीनिंग लिटल, 6 का मीनिंग वापस ये ऐसे। तो ये पूरा टेक्निक यहाँ पे कैरेट सिंबल का यूज क्यों किया है? हाँ उसका अल्गोरिदम है, अल्गोरिदम के अंदर ये समझाया गया। अभी वो मेन पॉइंट पे हम जाते हैं, जब भी अल्गोरिदम ये स्टार्ट होता है तो कंप्यूटर को कैसे मालूम पड़े ये इसका कोड वर्ड है। जैसे मैं एग्जांपल दूं भाई अनिकेत है, अनिकेत के नाम के अंदर कितने कैरेक्टर है? अनिकेत 6 है, अनिकेत के नाम के अंदर 6 कैरेक्टर है। पर मैं अनिकेत को रोल नंबर 1 दे दूं तो मेरे लिए इजी क्या होगा, 1 ही रहेगा। समझ में आ रहा है? तो कहने का मेरे पर्पज क्या, मेरे लिए 1 इजी रहेगा। अनिकेत के अंदर 6 कैरेक्टर में बुलाऊ या मैं लिखूं मेरे लिए रोल नंबर 1 इजी रहेगा। सेम यहाँ पर भी उसने यही टेक्निक यूज की है, जितने भी ओ एन ई है ऐसे 3 कैरेक्टर को किसमें कन्वर्ट कर दिया, उसको 0 नंबर दे दिया। और वहां पे जितने भी 1 1 जगह पे यूज हो रहा है वहां पे वो 0 0 यूज कर रहे हैं। बट ये अल्गोरिदम स्टार्ट कहाँ से होता है? कैरेट बटन से। देखिए कैरेट बटन, ये कैरेट बटन का सिंबल, अभी यू नो वेरी वेल कैरेट सिंबल का यूज कहाँ कहाँ हमने किया है। चैप्टर नंबर 7 के अंदर कैरेट सिंबल कहाँ पे यूज किया था बोलो, अभी दिमाग लड़ाओ, मैं इसके लिए आपको बोल रहा था। याद आ रहा है कैरेट सिंबल का चैप्टर नंबर 7 के अंदर यूज किया था हमने? यस सर। इसका सिंबल है XOR, XOR इसका सिंबल है XOR। ओके सेम एंडिंग सिंबल है ना वो कौन सा है, एंडिंग सिंबल कौन सा है? डॉलर साइन। तो आपको यहाँ पे ये समझाया गया जब भी टेबल के अंदर इंडिकेट किया जाता है, ओके भाई जैसे कोई अल्गोरिदम या डेटा कंप्रेस करने का सॉफ्टवेयर है तो उसके पीछे क्या रिपीट हो रहा है, उसके अंदर बैकग्राउंड जब कोड अल्गोरिदम स्टार्ट होता है तो उसके पहले कौन सा सिंबल ऐड किया जाता है, कैरेट सिंबल। लास्ट में कौन सा होता है? ओके मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए दिख रहा है आपको यहाँ पे एमसीक्यू में पूछा हुआ है और यहाँ पे देखो छोटा सा बटन अवेलेबल है अच्छी तरह। ओके आप देखो अपने प्रिंटेड बुक में देखोगे तो थोड़ा क्लियरिटी दिखेगी, इस पीडीएफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो ये कोड यहाँ से स्टार्ट होता है, तो कैप सेंड के 2 यूज है उसके रिगार्डिंग आपको थोड़ा सा अवेयर है ना, और पूरा सेकंड पैराग्राफ है ना कोड वर्ड के अंदर आ गया।
तो बट साइज तो कम होगी ना बीट और बाइट के अंदर, तो यहाँ पे यही पॉइंट पे यूज करना है। ओके अभी सृष्टि अवेलेबल है? सृष्टि सृष्टि का ऐप हो गई। ओके कृति ये रीड करिए ना प्लीज, मैंने वहां से ईट सर्टेनली रीड करिए। आपका वॉइस नहीं आ रहा है। ओके डोंट वरी कैनिल आप रीड करिए प्लीज। It certainly has a lot of repetition of words. We may take advantage of these and represent each word by a single digit or letter at the beginning of our Yes, अभी इसको क्या बोला जाता है? Read करिए please. At the beginning of our encoded file, we shall have a table that tells us which digit or letter represents which word. This information is needed to convert the file back in its original uncompressed form. Afterwards, we may use a single digit or letter to represent a word. Thus, lengthy words appear only one time and subsequently there they are represented by a single character. We leave punctuation as it is. We may mark the beginning of the table with a caret symbol and end of the table with a dollar symbol. The encoded file is also shown in the second half of figure 13.1. Okay, उसको बोलते हैं अनकोड। अनकोड का मीनिंग क्या होता है मालूम है? सीक्रेट कोड। जैसे जेम्स बॉन्ड का कोड कौन सा था? 007। आर्मी के अंदर है ना, जब 2% कोई मिशन के ऊपर हो तो किसी का नाम लेके नहीं बुलाते, उसका टेक्निक है, उसको कोई ना कोई वर्ड होता है और उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अभी मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, सेम एक पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, अच्छी तरह समझ लेना तो समझ में आ जाएगा और यहाँ पे आपको क्लैरिफाई इतना डेप्थ में मैंने स्कूल के अंदर भी नहीं समझाया हुआ। ओके अभी यहाँ पे देखते हैं। अभी ये सब थियरी हम नहीं अभी लर्न करें, पर लिनक्स के अंदर ये जो अनकोड करना है, अनकोड करने के लिए जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर आपको लिनक्स के अंदर फ्री में मिलता है, रेडीमेड फ्री में, ओपन सोर्स है। और ये सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? क्या सॉफ्टवेयर का नाम है? आर्चीवेलेज। ये तो आपको टेक्निक उसके पीछे क्या चल रही है वो सिखाने के लिए ये सब आपको मेहनत कर रहे हैं, ये टेक्निक है। तो इसके पीछे तो ऐसे तो साइंस क्या करता होगा, ऐसा अल्गोरिथम, जैसे मैं बोलता हूँ कंपाइलर, हम कंपाइल करते तो उसके पीछे एक्चुअली क्या होता है? तो मैंने आपको बोला भाई कंपाइलर है, उसके पीछे क्या होता है? पूरा प्रोग्राम चेक किया जाता है, उसकी सिंटेक्स चेक करते हैं, उसकी सिंटेक्स के अंदर कोई गड़बड़ी तो नहीं है, वो कुछ मिसिंग तो नहीं है ना, तो ये सब चेक करने का काम किसका होता है? कंपाइलर का। तो इंटरप्रेटर क्या करता है उसके पीछे? तो ऐसा तो क्या करता होगा? तो मैंने आपको समझाया, सेम यहाँ पे डेटा कंप्रेस होता है तो उसके पीछे ऐसी तो क्या टेक्निक है जो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ, उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे एक प्रैक्टिकल करके देखते और इसका बेनिफिट देखना। आप डेस्कटॉप में एक मैं अलग अलग फाइल बन लेता हूँ, ऑब्जेक्ट होना एग्जाम्पल लेता हूँ, वे म्यूजिक है मेरे पास, एक म्यूजिक लेता हूँ। ये कौन सा है एक्सटेंशन है उसका? एक्सटेंशन कौन सा है? ये MP3 का एक्सटेंशन क्या होता है? ओके MP3 होता है, समझते थे ना एक एक पॉइंट। इन फ्यूचर ये काम आ सकते हैं और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट भी है। ये कब आएगा? ओके मैं एक इमेजेस लेता हूँ, इमेजेस का एक्सटेंशन क्या होता है बोलो? चैप्टर नंबर 3 के अंदर लर्न कर चुके हैं। IMG नहीं GPG। JPG। GPG। यस। ओके JPG देखो यहाँ पे लिखा है, लिख रहे JPEG या GPG आता है। ओके इसको भी मैं अभी मैं एक वीडियो ले लेता हूँ, ये वाइल्ड लाइफ वाला देखा हुआ ना, वाइल्ड लाइफ का ये वीडियो।
देखा है आपने? अच्छा वीडियो है, गुड क्लैरिटी वाला, देख लेते। टोटल कितनी फाइल है यहाँ पे? वॉइस आ रहा है आपको? ओके एक वीडियो था, टोटल थ्री फाइल है, तीनों फाइल अलग अलग है। और ये मैं व्हाट्सएप में सेंड करूँ तो मुझको तीनों तीन सिंगल सिंगल भेजनी पड़ेगी, बट मेरी भी से उसको एक करके मैं भेजूँ, एक्चुअली व्हाट्सएप में ये पॉसिबल नहीं है, पर ईमेल के अंदर मुझको भेजना हो तो। ओके चलो मैं मेल करके देखता हूँ, समझते जाना एक एक पॉइंट। इतना डेफ में इतना ये टेक्निक है सब। मैं जीमेल में गया, ओके यहाँ पे अच्छी तरह ऑब्जर्व करना। मैं कंप्रेस में जाता हूँ, अभी मेल करने की मैं ट्राई कर रहा हूँ। थोड़ा सा लोड हो रहा है। ओके यहाँ पे देखो ये जो ऑप्शंस अवेलेबल है, मैं यहाँ पे कंप्रेस में ऐड चीव करता हूँ। इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करता हूँ ना, तो क्या होता है, इसे यहाँ पे फाइल अपलोड करने के लिए पूछेगा। मैं डेस्कटॉप पे अपलोड करने की ट्राई करता हूँ, तो यहाँ पे कितनी फाइल अपलोड हो रही है, 1, 2 एंड 3। और देखना आप टोटल कितनी फाइल अपलोड होती है, यहाँ पे फ्री फाइल अपलोड होती है, बट मेरी विश क्या है, ये 3 फाइल को अपलोड नहीं करना है, मुझको तो एक ही फाइल को अपलोड करना है। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या समझाना चाहता हूँ? ओके इसकी जगह पे मैं कंप्रेस करता हूँ। अभी देखना आप, एक फोल्डर बनाता हूं, इसका नाम मैं रखता हूं XYZ, और तीनों तीन फाइल मैं उसके अंदर डाल देता हूं। इसकी फाइल का फोल्डर की साइज देखता हूं मैं, कितनी साइज है, चेक करो तो यहां पे दिखा दे रहे आपको कितनी साइज है, 33.8 MB। देखिए अभी मैं इसको भी मेल करने की ट्राई करता हूं। ये आपको जो समझाना चाहता हूँ अच्छी तरह समझना, ये इंपॉर्टेंट है। अभी इसके अंदर पूरा फोल्डर में नहीं ओपन कर सकता, उसके अंदर जितनी भी फाइल है उसको ही मैं अपलोड कर सकता हूँ। यहाँ पे फाइल वाइज मुझको सेंड करना पड़ेगा, पूरा फोल्डर नहीं सेंड कर सकते, बट मेरी वी से एक ही फोल्डर में अपलोड करो और सब के सब अंदर चले जाना चाहिए। तो मैं उसको राइट क्लिक करता हूँ, दिख रहा है आपको आर्चीव मैनेजर का सॉफ्टवेयर, मैं बाद में दिखाता हूँ मेरे मोबाइल पीसी के अंदर है कि नहीं है। दिख रहा है आपको डेटा आर्चीव XYZ रार फाइल दिख रही है, देखो सॉफ्टवेयर यहाँ पे विन रार, ये विन रार कहाँ पे मैं आपको बोलूंगा। देखो ये सॉफ्टवेयर है मेरे में, ये मैंने इंस्टॉल किया हुआ है कंप्रेस करने के लिए। ये कंप्रेस किसको करता है, फोल्डर को। देखो मैं करता हूँ राइट क्लिक ऐड टू आर्चीव, इसके अंदर क्या क्या आपको कन्वर्ट करना है, रार में करना है या जीप में करना है, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। इसके अंदर आपको कोई भी
फाइल को नहीं बनानी है, एडवांस में करना है, फाइलिंग करना है, बैकअप लेना है, टाइमिंग ऐड करना है, कुछ कमेंट लिखना है, मैं लिख सकता हूं, अभी कुछ नहीं करता, मैं ओके कर देता हूं, देखना। तो विद इन अ सेकेंड ये फाइल पूरा मूवी एक फोल्डर के अंदर बन गया। ये भी फोल्डर है, उसके अंदर भी 3 फाइल है, इसके अंदर भी 3 फाइल है, दोनों में डिफरेंट क्या है, ये अनकंप्रेस है, ये कंप्रेस है। इससे क्या बेनिफिट है, ये इसके अंदर हम तीनों तीन फाइल सिंगल सेपरेट देख सकते हैं, इसके अंदर भी है, पर एक फोल्डर के अंदर कन्वर्ट हो गया, ये प्रोसेस देख रहे हो आप। ओके, जैसे ये कंप्लीट हो जाता है, बाद में देख रहा हूं, ये अभी ये इसके बारे में, अभी मैं गूगल जीमेल के अंदर जाता हूं और अपलोड करने के लिए बोलता हूं। इसके अंदर जा रहा था तो तीनों तीन फाइल अपलोड होती थी, पर यहाँ पे कितना हो रहा है दिख रहा है आपको, एक ही फोल्डर हो गया 25 MB का, समझ में आ रहा है आपको। आगे वाले फोल्डर था उसमें तीनों तीन सेपरेट सेपरेट फाइल अपलोड करता था मैं, अभी डाउनलोड करने वाला पर्सन एक एक सिंगल सिंगल को डाउनलोड करेगा, पूरा फोल्डर नहीं, समझ में आ रहा है आपको मैं जो समझाना चाहता हूँ। अभी देखते हैं उसके साइज के अंदर क्या डिफरेंट था, इसके अंदर कितनी साइज थी, 33.8 MB, उसके अंदर कितनी साइज है बोलो, कितनी साइज है, 33.6 MB। कितने के एमबी का चेंज हुआ, 2 MB का चेंज हुआ, एक्चुअली ये 33.8 MB है, इसमें भी 3 फाइल है, इसको कंप्रेस करते इसमें भी 3 फाइल है और उसके टोटल 2 MB। आप लोग इसे 2 MB में क्या, 2 MB को आपको उसकी वैल्यू नहीं मालूम है, जब फ्लॉपी ड्राइव था ना, फ्लॉपी ड्राइव तो आपको मालूम पड़ता 2 MB की साइज क्या होता है। तो यहाँ पे कहने का मेरे पर्पज, अभी इसको खोलेंगे ना तो आप डबल क्लिक करोगे, इसके अंदर डायरेक्टली 3 फाइल मिल जाते हैं, सेम यहाँ पे डबल क्लिक करोगे ना तो उसके अंदर भी यही मिलेगा। देखो अभी मैं आपको और भी इसके अंदर समझाता हूँ, ये तीनों तीन फाइल यहाँ पे सेफ है, तो इसको आप ऐड कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ओके, यहाँ पे वायरस को स्कैन भी कर सकते हो। अभी देखते हैं इसके अंदर एक दो फाइल में एक्स्ट्रा ऐड करता हूँ, सेम कॉपी वाला, इसको ही कॉपी कर देता हूँ, 5 और 6 फाइल करता हूं, देखना अभी एक ही फाइल है ना, अभी हम कंप्रेस करते हैं, कितने एमबी का हो गया, 36.44 MB। ओके, एक सॉन्ग को, जो ऑडियो सॉन्ग है ना उसको ही डाल देते, ये थोड़ा बड़ा वाला है, इसके हम जानबूझ के इसको रिपीट करते हैं। आप लोग सर कैसे क्यों कर रहे हैं, इसकी साइज प्लस करते हैं और बाद में हम कंप्रेस करने की ट्राई करते हैं, तो कॉमन है, कितने एमबी का हो गया बोलो, आप इंटरेस्टिंग लोग हो तो मैं इतना डेप्थ में समझा सकता हूँ, अदरवाइज टेक्स्ट बुक 61.4 MB। अभी हम कंप्रेस कर लेते हैं, ये सब चैप्टर इंटरेस्टिंग है, ये टेक्निक है ये सब कंप्रेस करने की, ओके। अभी स्पीड से वो रार कम में कन्वर्ट कर रहा है, जिसे हम इंटरेक्टिव से नॉन इंटरेक्टिव ऐसा ये काम कंप्रेस करें, अभी आप देखना, क्योंकि मैंने जानबूझ के इसमें रिपीट वर्ड किए हैं, रिपीट किए हैं, अभी इसके अंदर जो भी प्रोसेस होगी उसके अंदर हम देखेंगे, प्रोसेस को रिमेनिंग होने दो, बाद में उसके फाइल की साइज देखेंगे। तो ये सॉफ्टवेयर है ना, ये पैराग्राफ इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, मैं आपको जो सॉफ्टवेयर इसके लिए मैंने दिखाया प्रैक्टिकल दिख रहा है आपको, tar.gz जो Ubuntu के अंदर ये सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट है, और डेटा आर्चीव मैनेजर का यहाँ पे ऑप्शन है, पूरा सॉफ्टवेयर के बारे में हमको यहाँ समझना है। तो यहाँ पे लिखा है टार का क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ द मेनी फाइल, मैंने 3 फाइल को कितने किस में कन्वर्ट कर लिया, 1 फाइल के अंदर। ये काम कौन कर सकते हैं, आर्चीव, लिनक्स के सिस्टम के अंदर उसको बोलते हैं टैप आर्चीव, जो मोस्ट कॉमन है, आर्चीव का एक फॉर्मेट ही है, उसका सॉफ्टवेयर का नाम चेंज हो रहा है। उसका मेन पर्पज क्या होता है, रिड्यूस द फाइल साइज, फाइल की साइज लेस करेगा, और दूसरा क्या है, मल्टीपल कंप्रेसिंग अल्गोरिदम एंड कंप्रेस द मल्टीपल फॉर्मेट। अभी आप लोग मल्टीपल फॉर्मेट मीन्स व्हाट, अभी देखते हैं,
इसके अंदर भी इतनी साइज थी, इसके अंदर 61.4 एमबी था, उसके अंदर यहां पे देखते हैं कितना हो गया, बोलो 61.4। सेम फाइल है ना, तो जो रिपीट होने वाला था वो क्या कर दिया, साइज लेस हो गई। तो समझ में आया आपको 3 MB का डिफरेंट है। अभी बोलोगे सर इसमें नहीं समझ, यहाँ पे देखो बाइट में, देखो बाइट में, तब आपको मालूम पड़ेगा। तो ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है। तो ये हुआ आपका कंप्रेस एंड नॉर्मल फाइल, इसका बेनिफिट यही होता है। अभी जो रिमेनिंग है वो एक पैराग्राफ रीड करते जाओ तो आपको समझ में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो MCQ पूछेगा तो जो रिमेनिंग है उसके अंदर से पूछे जाता है। ओके महक रीड करें, द मोस्ट कॉमन, द मोस्ट कॉमन कंप्रेस्ड फाइल इन फाइल फॉर्मेट आर द ZIP फाइल फॉर्मेट एंड द text.cz फाइल फॉर्मेट। व्हाइल द ZIP फाइल फॉर्मेट सपोर्ट स्टोरिंग मल्टीपल फाइल्स इन अ सिंगल ZIP फाइल on Unix and Linux system, the common practice is to combine the file into a single uncompressed file in the tar format and then compress the file in the zip format using GNU/Zip and open source archiving program. Such a file commonly has the extension tar.cz and is called a tarball. The tarball is a very common format for this distributing software or bundles of file on the Linux platform. The zip format is also used by different applications under different names. For example, jar file is Java and the OpenOffice.org office file format use zip compression. Archive managers use the extension part of the file name to identify the file format when opening an archive and to select the file format when creating a new archive. Okay. ये पूरे पैराग्राफ के अंदर ऐसा हमने 11th के अंदर स्टडी किया था, याद आ रहा है ऐसे कुछ भाई? सिंफिक का बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है, याद है किसी को? SFZ। तो जेड का मीनिंग मैंने क्या बोला था, कंप्रेस, और अनकंप्रेस हो तो ओनली फॉर .sif। तो कहने का मीनिंग ये, हमने 11th के अंदर ये भी वर्ड आया था GNU/Zip, इसका मेन होता है यहाँ पे जो टारबॉल है। तो मैंने आपको बोला था ओके, ये सॉफ्टवेयर मेरे में भी है, देखो यहाँ पे कि मैंने कहीं उबंटू के सॉफ्टवेयर है, दिख रहा है आपको .rar अभी आएगा, और RCU, ये दोनों सॉफ्टवेयर है अभी दिख रहे हैं यहाँ पे। तो कहने का मेरी पर्पस क्या है, tar.gz ये टारबॉल का सॉफ्टवेयर है जो मोस्टली इंटरनेट उबंटू के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो ना वो कौन सा होता है, tar.gz से एक्सटेंशन होता है। ओके जावा का कौन सा है, जार, कहां पे मैंने आपको दिखाया था, देखो ये रार है, रार आर ए आर, जावा का क्या है, रार है। तो ये सब कुछ यहाँ पे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझ में आ रहा है आपको ये एक्सटेंशन कहाँ पे किसके, ये सबका मेन पर्पस क्या है, फाइल को कंप्रेस करना। एक सॉफ्टवेयर है, इसका पूरा लुक दिखाया, इतने सारा सॉफ्टवेयर को हम एक फाइल या फोल्डर में, इसे बेनिफिट क्या होता है, उसका बेनिफिट यही है मैंने आपको इन्फॉर्म किया। वो कंप्रेस में हो जाएगी, फाइल की साइज लेस होगी। तो फाइल की साइज लेस होने से क्या बेनिफिट है, जब मैं हम फाइल अपलोड करते हैं तो स्पीड मिलेगी, जब डाउनलोड करोगे तो स्पीड मिलेगी, डेटा लॉस होने की पॉसिबिलिटी कम है, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी। ये जब जीप फाइल होती है या रार होती है या कंप्रेस करते हैं उसके अंदर वायरस नहीं आते। ओके तो एक बेस्ट ऑप्शन है, जब मैं इंटरनेट पे कोई फाइल ऐसी रख रहा हूँ ओके, मुझको लग रहा है ये वायरस प्रोटेक्टेड वाला कंप्यूटर में जाएगा और मेरे इंपॉर्टेंट फाइल है वो क्रैक हो जाएगी, या हो सकता है इसके अंदर वो सपोर्ट नहीं करेगी, तो वो जीप होती है वो अच्छा रहता है। इसके लिए देखें कहीं मुझको लगता है मेरे लैपटॉप के अंदर वायरस है पर वो फाइल मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तो हम क्या करते हैं उसको जीप में कन्वर्ट कर देते हैं। मेरे यहाँ पे कई ऐसे सॉफ्टवेयर हो गए लैपटॉप के अंदर वो जीप में ही होते हैं।
है यहाँ पे दिख रहा है आपको जीप फोल्डर, जूम करके देखो तो है ये बॉक्स जैसा दिख रहा है आपको, जीप है सब। अभी जिसको मैं जैसे मैं इसके ऊपर ओपन करूंगा ना, तो एंटीवायरस क्या करेगा, इसको चेक करेगा। जब तक ये सिक्योर है जीप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके तो ये हो उसका मेन एडवांटेज एंड यूज। तो इतना समझ में आ रहा है आपको, तो ये हो उसका मेन एडवांटेज। नेक्स्ट है वीएलसी, और ये पैराग्राफ के अंदर हम रीड करते हैं। देखो आर्ची मैनेजर के क्या बेनिफिट है। ओके तीर्थ तीर्थ अवेलेबल है, यस यस तीर्थ रीड करिए प्लीज। आर्चीव मैनेजर, थस द आर्चीव मैनेजर हेल्प्स अस इन क्रिएटिंग एंड यूजिंग द आर्चीव फाइल्स फॉर बैकअप फॉर ट्रांसफर वाया एन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस फॉर ट्रांसफर वाया नेटवर्क फॉर सेविंग डिस्क स्पेस एक्सेट्रा। ओके अभी आपको एमसीक्यू में ये सब ऐसे पूछे जाते हैं। व्हाट इज योर एडवांटेज ऑफ द आर्चीव मैनेजर, ए फाइल फॉर बैकअप, बी ट्रांसफर वायर नेटवर्क, सी सेविंग डी स्पेस, डी ऑल ऑफ दिस। क्या आंसर आएगा? यस अनिकेत राइट है। जितने भी क्रैक वाले सॉफ्टवेयर होते हैं ना जो हम यूज करने से, वो मोस्टली जीप में ही होते हैं। उसका रीजन क्या है, इसके अंदर क्रैकिंग करने की जो फाइल है ना वो एंटीवायरस स्कैन नहीं कर लेता। जैसे वो उसको आप अनकंप्रेस करोगे ना तो 10% एंटीवायरस उसको डिलीट करने की ट्राई करेगा। ओके इसके लिए जब भी ऐसे कोई क्रैक सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर रहे हो तो उसको कंप्रेस में ही ओपन करके उसको यूज कर लोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। तो आई होप सो थोड़े थोड़े उनको समझ में आ रहा है, जिसने ये सब तो ना थोड़ा थोड़ा जुगाड़ करके क्रैक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। मेरे में तो ऐसे लॉट क्रैक सॉफ्टवेयर है, मैंने लास्ट टाइम भी आपको इन्फॉर्म किया था। तो इसके लिए तो मेरे में एंटीवायरस भी होता है, वो तो भी उसको अनइंस्टॉल करके रेडी करना पड़ता है। अभी देखिए नेक्स्ट वीएलसी, वीएलसी मीडिया प्लेयर का यूज करो, किया है कभी आपने वीएलसी का यूज किया है? बेस प्लेयर है देखो यहाँ। ये वीएलसी का बेस्ट प्लेयर है। इसके अंदर कई ऐसे फीचर्स है, लाइक मीडिया के अंदर में जाके एक प्लेलिस्ट बनाना। पहले के जो प्लेयर थे ना, अच्छे 10 साल पहले जब वीएलसी नहीं था, तो एट द टाइम ओनली फॉर आप एक मूवी स्टार्ट कर सकते हो। एक साथ 10 या 15 मूवी स्टार्ट करने की फैसिलिटी नहीं थी, फर्स्ट। सेकेंड, उसके अंदर कन्वर्ट करने का ऑप्शन नहीं था। यहाँ पे एक ऑप्शन है, कन्वर्ट भी कर सकते हो और कंप्रेस भी कर सकते हो। चलो मैं आपको एक कंप्रेस करके दिखाता हूँ। देखो तो ये एक्स्ट्रा फीचर्स है इसके अंदर, है अवेलेबल। हम यहाँ पे मीडिया के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ऐड फाइल करते हो, वो एक इमेजेस रख देता हूँ, इसको कन्वर्ट करते हैं। किसमें कन्वर्ट कर देंगे, यूट्यूब के अंदर कर देते हैं। चलो वीडियो फॉर HD यूट्यूब। ओके और डेस्कटॉप पे लगा देता हूँ, सेव करते हैं, स्टार्ट। सर क्या हुआ, ऐसा निकित आपके कौन सा छोटा भाई था आपका? वो मजा लेता होगा अब जब स्टडी कर रहे हो तो, ऐसे भी लॉकडाउन में सब ये सब नए नए सीखते रहते हैं। ओके ये कंप्रेस हो रहा है, सॉरी कन्वर्ट हो रहा है। उसके भी साइज की बात कर रहा हूँ मैं, उसके अंदर इनबिल्ट टूल्स है। देखो व्हील्स की बात करें, व्हील्स का फुल फॉर्म क्या है, वीडियो वीडियो लैंड क्लाइंट। लैन क्लाइंट। ये उबंटू के अंदर इनबिल्ट आता है। आप लोग इसे इनबिल्ट टूल्स मींस व्हाट, तो आपको मालूम है इनबिल्ट का मीनिंग क्या होता है, पहले से ऑलरेडी डिफाइन है। पहले क्या क्या था, ऑडियो के लिए अलग प्लेयर था, वीडियो का अलग प्लेयर था। अभी क्या होने लगा, ऑल इन वन, मूवी हो तो भी ये, HD मूवी हो तो भी ये, मोबाइल लेवल का मूवी है तो भी ये। इसके अंदर सब कुछ फीचर्स अवेलेबल है
बस इसको ओपन करके यूज करना आना चाहिए। और ये ग्रेट ओपन सोर्स है, अभी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फेमस सॉफ्टवेयर हो ना स्पेशली प्लेयर के अंदर, तो ये VLC है। उसका रीजन मैंने आपको ये भी बोल दिया ना, ये कंप्रेस के साथ साथ ऐसे लॉट्स ऑफ ऐसे टूल्स है, हम वीडियो कैप्चर भी कर सकते हैं। ओके, मैं कैप्चरिंग करता हूँ, देखो ये स्टार्ट होने के बाद ये 11th के बुक के अंदर आया हुआ है। मैं जैसे प्ले करूंगा ना, मेरा वीडियो कैमरा वो सब स्टार्ट हो जाएगा, हो सकता है कंप्यूटर हैंग भी हो सकता है। देखो कैमरा ऑन हुआ, दिख रहा है मैं, ये किस में ओपन किया, ये मीट नहीं है, ये VLC है। तो VLC के अंदर भी आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, इसके अंदर ये फीचर्स अवेलेबल है, क्लियर है। तो ये हो उसका मेन यूज। अभी हम डेस्कटॉप पे देखते हैं, देखो इसकी साइज और यहाँ पे ये वाइल्ड लाइफ का ये वीडियो था ना, अभी देख रहा हूँ वाइल्ड लाइफ का वीडियो हम ओपन करते हैं, प्रॉपर्टी देखते हैं कितनी साइज है उसकी, 25.0 MB है ना इतना, यस या नो तो बोलो। यस सर, यस सर, उसकी प्रॉपर्टी यस सर कन्वर्ट कर दिया, कितनी साइज बन गया 25 का, कितनी साइज का बन गया ये 5.9 MB, कितने MB बचे वीडियो आप लोगे सर, इस वीडियो की क्लैरिटी में 110% वीडियो की क्लैरिटी में चेंज हो जाएगा। हम प्ले करके देखते हैं, देखो ओके, थोड़ा तो ब्लर हो गई कि हमने ये कन्वर्ट किया हुआ है, दिख रहा है पहले से, देखो ये ब्लर हो रहा है, समझ में आ रहा है कि बाउंस होते जा रहा है अभी, यस या नो? यस सर। ये VLC का एडवांटेज समझ में आया, ऐसा एक 11th के अंदर भी एक पूरा चैप्टर नंबर 1 के अंदर था, क्या क्या फीचर्स है एक्स्ट्रा देखिए यहाँ पे, उसके अंदर एक्स्ट्रा फीचर्स के अंदर उसने ये समझाया, आप कोई भी फाइल हो कोई भी लेवल की हो उसके अंदर क्या होता है। ये एक्चुअली एक एकेडमी का प्रोजेक्ट का, जैसे मैं आपको एक प्रोजेक्ट बना रहे दूं तो आप सब मेरे वीडियो देखना, वो एक आपका प्रोजेक्ट है। ऐसे एकेडमी का एक प्रोजेक्ट था, कॉलेज के स्टूडेंट ने एक हार्डवेयर का कोई इश्यू नो, ऑडियो वीडियो का कोई एक्स्ट्रा यूज नहीं करो, लाइव स्ट्रीमिंग करना हो यूट्यूब के अंदर जैसे स्ट्रीम करते हैं ऐसे ओके, उसको कोई नेटवर्क का इश्यू नो और कन्वर्टिंग करना हो, तो ऑल इन वन एक सॉफ्टवेयर उसने कौन सा बनाया था, VLC ओके। उसके अंदर एक क्या था, कोड टू, उसका रिवर्स है डीकोड। अभी आप लोग सर कोड एंड डीकोड क्या है, तो अभी हमने जस्ट अभी समझा ओके। कई ऐसे मूवी है ना, आप VLC में दूसरे प्लेयर में ओपन करोगे ना तो सपोर्टेड नहीं है ऐसा दिखाएगा, पर वही मूवी आप VLC में ओपन करोगे तो ऑन द स्पॉट सपोर्ट हो जाएगा विदाउट कोई एरर कुछ भी नहीं। ये वापस दूसरा क्या है, HD मॉनिटर होगा उसको भी सपोर्ट करता है, स्पीकर को भी सपोर्ट करता है, माइक्रोफोन को भी सपोर्ट करता है, हेडफोन को भी सपोर्ट करता है, तो ये सबको सपोर्ट करता है। उसका ऑटोमेटिक ड्राइवर भी ले लेता है, जैसे मैंने आपके सामने अभी लाइव मैंने वीडियो यहाँ पे कैप्चर करने की ट्राई किया, स्ट्रीमिंग करने की बात किया, तो इसके अंदर आपको रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो यूट्यूब पे। मालूम है कोई पर्सन सामने बैठा है और वीडियो बना रहा है, अभी कई स्टूडेंट हमारे यहाँ स्कूल में प्रोजेक्ट है तो बोलते हैं सर मेरा फोटो वाला मैं वीडियो कैप्चरिंग कैसे करूँ और PPT कैसे बनाऊं, तो आप ऐसे PPT डिजाइन कर सकते हो, समझ में आ रहा है। तो ऐसे पूरा वीडियो यूज करके सबको डिस्प्ले भी करवा सकते हो और पूरा स्क्रीन आप मोबाइल के अंदर ला सकते हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसके अंदर एक्स्ट्रा यहाँ पे एक ऑप्शन भी है, एप्लीकेशन में साउंड एंड वीडियो ओके, इसके अंदर मीडिया फाइल को ओपन करना है, खुद की डिक्शनरी बनाना हो जैसे
आप अमेजोन के अंदर या सब में प्ले स्टोर में जैसे सॉन्ग प्ले करते हो तो उसका खुद का प्ले लिस्ट बन जाता है, जैसे सेम यहाँ पे प्ले लिस्ट बना सकते हो। ओके, उसको फाइल को अपना खुद का यूज कर सकते हैं, मल्टीपल फाइल। पहले क्या होता था मालूम है, एट द टाइम एक ही सॉन्ग बजा सकते थे, एक सॉन्ग कंप्लीट होगा बाद में दूसरा बजेगा, दूसरे के बाद थर्ड। अभी ऐसा नहीं, एक साथ 10 सॉन्ग दे दोगे वन बाय वन, वो जैसे फ्री होगा वो अपने हिसाब से स्टार्ट कर देता है। तो ये सब फैसिलिटी वीएलसी के अंदर है, उसके लिए उसका कोड एंड डीकोड ये ऑप्शन अवेलेबल है। जब चाहो तक आप प्ले कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हो, हिडन कर सकते हो, मॉनिटर स्क्रीन। इसके बाद वॉइस के अंदर डबिंग भी होता है, जैसे कोई मूवी होता है इसमें हिंदी हो, इंग्लिश हो, मराठी हो, जिसमें भी आपको उसका वॉइस करना हो तो वॉइस भी क्लियर कर सकते हो। ये सब फैसिलिटी आपको वीएलसी मीडिया के अंदर मिलेगी, वो भी फ्री में, उसका कोई चार्ज नहीं है। ओके, तो इसके बाद यहाँ पे मैंने जो अभी प्रोसेस किया ना, कन्वर्ट एंड सेव मीडिया के अंदर क्या करना है आपको, कन्वर्ट एंड सेव करने का भी फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल है, और उसके अंदर ये सब कुछ प्रोसेस यूजफुल है। बस यहाँ पे वीएलसी का इतना ही पॉइंट है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से हम गूगल मैप स्टार्ट करेंगे। तो आज हमने ओनली फॉर दो पॉइंट लर्न किए, डेटा आर्चीव मैनेजर, ओके, और उसके अंदर टेक्निक क्या थी, डेटा को कंप्रेस करना, और बाद में दूसरा कौन सा हमने लर्न किया, वीएलसी मीडिया प्लेयर। ऐसे गूगल मैप और कैरेक्टर मैप वो सर्विस है, ये दोनों टूल्स थे। उसके बाद रिमेनिंग एक आर सॉफ्टवेयर, रिलेशनल प्लान एंड स्काइपी। समझ में आ रहा है? तो पीछे पीछे पैरेलल आप अभी चैप्टर 4 के भी वीडियो बनाना स्टार्ट करूंगा, 5 और 6 के भी, है ना? तो पैरेलल पीछे वीडियो भी देखते जाना, कुछ क्वेरी हो तो क्वेरी भी माइंड में सेट करके मुझको सॉल्व करवा देना। आपकी स्कूल की एग्जाम से पहले मैं कभी भी 100 मार्क की एग्जाम कंडक्ट कर सकता हूँ, बी रेडी। आपको मैं पहले ही इन्फॉर्म कर देता हूँ, वो टाइम ऐसा मत बोलना सर कल अकाउंट की एग्जाम है, आपको ओनली फॉर 1 आवर्स का एग्जाम दे के, ओके, एमसीक्यू टिक करके क्लैरिफाई कर लेना है। और बोलो, और स्टूडेंट आज के लेक्चर में कोई क्वेरी, कोई कंफ्यूजन?